दोस्तों चीन की अकड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दुनिया पर वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। एशिया क्षेत्र में दबदबा कायम करने के लिए दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना अधिकार जताता है। भारत के साथ भी चीन के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं है। लंबे गतिरोध के बाद भले ही चीनी सेना वापस लौट गई हो, लेकिन चीन के साथ सीमा विवाद अभी टला नहीं है और अब चीन एक नई सुपर आर्मी बना रहा है। इस सुपर आर्मी के पास होंगे ऐसे 5 घातक हथियार जिनकी काट फिलहाल भारत के पास नहीं है। जमीन से लेकर हवा तक और हवा से लेकर पानी तक की जंग में यह हथियार चीन को ब्रह्मास्त्र की ताकत देंगे। अगर हमें चीन के दबदबे से बचना है, उसकी धमकियों का डटकर मुकाबला करना है, तो हमें इन 5 अस्त्रों की काट को विकसित करना ही होगा। तो चलिए जानते हैं चीन के इन्हीं 5 हथियारों के बारे में। वीडियो के आखिर तक बने रहें। पहला, ब्लेड। भारत के लिए ड्रैगन का सबसे खतरनाक हथियार वो है जिसने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को हैरत में डाल दिया है। चीन ने ऐसा हथियार बनाया है जो बेहद तेज रफ्तार से चलता है, किसी भी मिसाइल से तेज, किसी भी लड़ाकू विमान या रडार की पहुंच से भी छुपा रह सकता है। चीन के इस हथियार का नाम है WU-14 हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम। चीन के पश्चिमी हिस्से से अगर परमाणु बम ले जाने में सक्षम यह हथियार भारत की ओर फायर हुआ तो 10 मिनट से भी कम वक्त में चीन का ब्लेड दिल्ली तक पहुंच जाएगा और 20 मिनट से भी कम वक्त में बेंगलुरु तक। यह चीन का बेहद ही खतरनाक हथियार है जिसकी आसमान में उड़ने की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना तक ज्यादा है। पिछले साल अगस्त में चीन ने सांजी प्रांत में ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में एक रॉकेट छोड़ा। यह रॉकेट आसमान में 100 किलोमीटर तक ऊपर गया, लेकिन उसके बाद अंतरिक्ष में जाने के बजाय उसकी रफ्तार धीमी पड़ी और वो वापस धरती की ओर मुड़ गया। उस रॉकेट के भीतर से एक पतला अस्त्र निकला और ये अस्त्र ही ब्लेड है। यह 6173 से लेकर 12,359 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और इस ब्लेड के भीतर परमाणु बम रखा जा सका है। चीन का दावा है कि इस ब्लेड के 4 बेहद ही कामयाब टेस्ट किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि यह ब्लेड दुनिया के किसी भी मिसाइल से कहीं तेज उड़ती है और इसका आइडिया सबसे पहले अमेरिका को जॉर्ज डब्ल्यू बुश के वक्त आया था। 9/11 के आतंकी हमले के बाद ऐसे ब्लेड वेपन विकसित करने का प्लान बनाया गया था जो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर सके, लेकिन चीन ने जुगाड़ तकनीक से यह ब्लेड बना लिया। दूसरा, फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर। चीन का दूसरा अस्त्र दरअसल में समुद्र में तैरता हुआ शहर होगा। चीन बेहद आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, एक ऐसा विशालकाय जहाज जिस पर एक बार में 70 से 80 लड़ाकू विमान तैनात रह सकेंगे। जानकारों का कहना है कि चीन ने यहाँ भी मेड इन चाइना का तिलिस्म रचा रखा है। उसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की नकल की है। चीन के इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है फुजियान। समुद्र में जंग की सूरत पर भारत चीन के लिए कई बड़ी आफत खड़े कर सकता है। वो अगर चाहे तो चीन का मुख्य समुद्री रास्ता रोक सकता है, हिंद महासागर हो या फिर बंगाल की खाड़ी। दक्षिण चीनी समुद्र की ओर जाने वाला ये रास्ता भारत रोक कर चीन की समुद्री ताकत और व्यापार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ सकता है। मगर चीन जिस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर यानी समुद्र में तैरते लड़ाकू विमानों के शहर को विकसित कर रहा है, उसके आगे भारत की तैयारी धरी की धरी रह सकती है। चीन ने इसे बनाने में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की हूबहू नकल उतार दी है। टेढ़े फ्लाइट डेक में लड़ाकू विमानों को ऊपर लाने के लिए 3 लिफ्ट हैं और प्लेन को रफ्तार देने वाले 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल गुलेल भी है जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बेहद ही घातक बना देती हैं। तीसरा, सेकंड आर्टिलरी कोर। चीन का तीसरा हथियार है उसकी सेना की एक खास विंग जिसके पास उसकी मिसाइलों की तैनाती का अधिकार है। इस खास विंग का नाम है सेकंड आर्टिलरी कोर। ये भारत के लिए आने वाले वक्त में आफत पैदा कर सकता है। इस विंग के पास है भारत में तबाही मचाने वाले मिसाइलों का फायर बटन जिसमें खास है DF-15C मिसाइल। इसकी जद में पूरा उत्तर भारत आ सकता है। इस यूनिट की खासियत सामान्य मिसाइलों और परमाणु बम वाली मिसाइलों की मैनेजमेंट होगी। भारत के हर हिस्से में मिसाइलों से हमले की योजना यही सेकंड आर्टिलरी कोर बनाएगी। यानी भारत में कभी भी चीन का मिसाइल फायर होता है तो उस हमले के पीछे होगी यह सेकंड आर्टिलरी कोर। चीन के पास 804 से लेकर 997 किलोमीटर तक मार करने वाली DF-15C मिसाइल है जो बेहद खतरनाक है। अगर चीन तिब्बत की किसी सड़क से यह मिसाइल फायर करे तो वो लखनऊ तक आसानी से मार कर सकती है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल में चीन ने विशेष टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम भी लगाया हुआ है जो किसी भी सैनिक ठिकानों को आसानी से पहचान कर सकता है। चौथा, DH-10 क्रूज मिसाइल। चीन का चौथा खतरनाक हथियार है उसकी खास क्रूज मिसाइल DH-10। ये क्रूज मिसाइलें भारत के लिए शायद सबसे बड़ा खतरा है। चीन के इस मिसाइल से पूरी दुनिया डरी हुई है क्योंकि चीन इस मिसाइल में बिल्कुल नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। यह तकनीक उसने दुनिया से छिपा कर
रखा हुआ है। कहा जा रहा है कि ये क्रूज मिसाइलें आसमान की डोल लेने वाले रडारों को आसानी से धोखा दे देंगी। चीन ने इसकी प्रेरणा अमेरिकी मिसाइल टॉम हॉक से ली है। कहा जा रहा है कि इसमें भी टॉम हॉक की तरह ही मोटी नाक होगी, वैसे ही पंख खुलेंगे और वैसे ही टर्बो जेट इंजन लगे होंगे। यहां तक कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि DH-10 मिसाइलों की रेंज भी टॉम हॉक की रेंज यानी 1514 किलोमीटर की होगी। इसमें 1000 पाउंड वजन के विस्फोटक होंगे और ये अचूक निशाना साधेगी। निशाना साधने में यह 10 मीटर से भी कम गलती करेगी। इसे जमीन या हवा या समुद्र कहीं से भी छोड़ा जा सकेगा और तो और ट्रक में लगे लॉन्चर से भी एक बार में 3 मिसाइलें एक साथ छोड़ी जा सकेंगी। बताया जा रहा है कि यह क्रूज मिसाइलें चीन के H-6K बम वर्षक विमानों से भी फायर किया जा सकता है। पांचवा J-20। चीन का पांचवा हथियार बेहद खतरनाक है। यह है उसका पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान चेंगड़ू J-20। ये विमान स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में नहीं आता। इस विमान की खासियत यह है कि उसे लड़ाकू विमान की तरह और बम वर्षक विमानों की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। J-20 खासा बड़ा और इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं। इस एयरक्राफ्ट के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसका बड़ा आकार ये बता रहा है कि इसे फाइटर जेट के साथ एक बम वर्षक विमान की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन का J-20 विमान एक बार में लंबी दूरी तक उड़ान भर सकेगा, तेज रफ्तार से उड़ेगा और रडार से बचने की तकनीक का इस्तेमाल भी करेगा। इस लड़ाकू विमान में खास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, यानी एक बार निशाना तय होने के बाद वो चूकेगा नहीं। इसमें खासे भारी बम और मिसाइलें रखी जा सकेंगी। रक्षा विशेषज्ञों को डर है कि चीन के साथ युद्ध में ये विमान दरअसल चीन के सेकंड आर्टिलरी कोर की मिसाइलों के हमले के बाद उड़ेंगे और भारी बम गिराकर वापस चीन लौट जाएंगे। उड़ान के लिए चीन तिब्बत के एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है। तिब्बत में ऐसे 5 एयरबेस है जहां से J-20 उड़ान भरने में सक्षम है। तो दोस्तों, चीन के ये वही 5 हथियार हैं जो भारत के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं और इन परेशानियों का सामना करने के लिए भारत को जल्द ही कुछ नए हथियारों को बनाना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत चीन के इन हथियारों का तोड़ निकाल पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपके विचार का इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।